देख लो भाई साहब किस तरह से झूलों की तैयारी की जाती है, किस तरह से अपने जो ट्रस होती है उसको ऊपर भेज रहे हैं भाई। साउंड्स वगैरह, ट्रस वगैरह, प्रॉपर कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। जीओआईटी के सारे अधिकारी यहाँ पर हैं और ये बाउंसर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है। वह कार्य प्रगति पर है। हाँ भाई, प्रॉपर मखमल वाली बनाई गई है, प्रॉपर मखमल वाली। भाई साहब लाइटिंग वगैरह भी ऐसी हो चुकी है, सेटअप तैयार हो चुका है यहाँ का। भयंकर पुलिस प्रशासन है भाई, भयंकर प्रशासन है। मतलब भाई सेलिब्रिटी के आने के बाद यही होता है भाई। यहीं से करते हैं अपन पार्ट टू की शुरुआत और चलते हैं सीधे अंदर की ओर। जो पीछे वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या अलग चीज़ें, उसको भी पार्ट टू में डालने की ट्राई करूँगा, ठीक है। और रावण का काम कितना पहुँचा और हेमा मालिनी जी का प्रोसेस हुआ नहीं हुआ आने का, सब चीज़ें डिटेल में पता करते हैं और निकलते हैं सीधा पीछे की ओर, जो दशहरा मैदान का अंदर वाला एरिया है। तो आउटर है भाई, आउटर में बनाया गया है अपना विंटरलैंड कश्मीर, मतलब ये वेलकम टू विंटरलैंड कश्मीर। तो बस चलते हैं सीधा अंदर की ओर। देख लो भाई साहब किस तरह से झूलों की तैयारी की जाती है, किस तरह से अपने जो ट्रस होती है उसको ऊपर भेज रहे हैं भाई, बांध बांध के ऊपर। इन्होंने एक पुली लगा रखा है, पुली के थ्रू भेजते हैं और पुली की तरफ खींचते हैं इसको। ओहो हो भाई साहब, एक बंदा बांधता है और ऊपर से खींचते हैं। चलते हैं भाई बैक टू अंदर, ठीक है, और देखते हैं झूले वगैरह का और पार्ट टू में अपन क्या डाल सकते हैं आज का कंटेंट। ये मैं एक ही दिन में दो चीज़ें कवर कर रहा हूँ भाई, पार्ट टू तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या बोलते हैं आप एक ही वीडियो 15-20 मिनट के, मतलब 15-20 मिनट की ना देखो। अरे रोड तो सही करवा देते यार। और अब जैसे ही धूप पड़ती ना ये आईफोन हीट बहुत जल्दी मारता है। ओहो लाइट लग गई भाई साहब। ओहो अंकल जी लड़ रहे हैं। यस यही से आएगी मैडम जी, कल तक वाइट थे और आज ग्रीन हो चुके हैं भाई। ये अपना राधिका सुपर सॉफ्टी, ये अंकल जी का बहुत फोटो देखे हैं मैंने। और इधर ये देखो किस तरह से क्रेन से पूरे झूलों को सेटल किया जा रहा है भाई। लेट मी शो यू कैसे क्या काम करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या दिखाता हूँ आपको। देखते जाओ भाई कैसे कैसे तैयार कर रहे हैं झूले को। इनका बहुत नाम सुना है मैंने यार, राजस्थान पुलिस। और सर कैसे हो, कैसे हैं? बढ़िया हो? हाँ हाँ, आज का उद्घाटन मैडम आ गई, आ गई मैडम। कहाँ पर है मैडम अभी? नहीं नहीं जो हेमा मालिनी जी है आ गई है यहाँ पे। अच्छा यहाँ आने में टाइम है, चलो बढ़िया है, तो टाइम है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ। बिल्कुल 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 वही है वही है। चलिए सर सब बढ़िया, चलो ओके। यू कैन सी गाइस सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब जाने किस पोस्ट पे हैं ये मैं याद नहीं इनका, मैंने बहुत सुना। ये रेंजर देखो ये भी तैयार नहीं है, बाकी इसके पिलर्स वगैरह सब रेडी हैं यहाँ पर। और भाई झूले का मेन ऑनर मेरा, तो उससे पूछता हूँ कि कितना लोहा लगता है, कितना क्या लगता है, कितना टाइम लगता है झूले को खड़े होने में, पता नहीं ये चीज़ क्या है। मैं देखो मशीनरी काम है पूरा का पूरा भाई, पूरी मशीन वाला काम है। जी भैया ना होते यार, लाइटिंग्स वगैरह सब सेटेड है भाई, कुछ जरूरत तैयारी हो चुके हैं और कुछ की तैयारियां बाकी है। ये देखो नाव, ये पन्ना लाल पकौड़ी बहुत फेमस है यहाँ की, और ये है यहाँ का पूरा चाट वाला एरिया, फूड वाला एरिया है पूरा। ये नसीराबाद का कचोरा, यहाँ पर शायद APD का स्टॉल लगता है यार। खाली मेले में घूम लो भाई और जब देखना ये भर जाएगा तो कैसा वाला होगा ये चोटी वाला रेस्टोरेंट। झूला मतलब मेला बिगाड़ दिया यार पहले से ज्यादा, तो पहले बहुत बेहतरीन था।
ये देखो भाई, मतलब मैं या तो शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुछ दिखा नहीं रहा हूँ आपको, चीज़ें तो अलग अलग दिखा रहा हूँ भाई। ये अग्रवाल सुपर सॉफ्टी, मेरा फेवरेट चीज़ है यहाँ का हाथी जाम। आपका क्या फेवरेट है मेले के अंदर ये ज़रूर कमेंट करना। घूमते फिरते आप एक ही जगह निकल जाओगे, सीधा अपना झूला ग्राउंड। ये डॉलर जो झूला है वो ऐसे तैयार किया जा रहा है, ऐसे प्रोसेस किया जा रहा है इसको। आर जी जीरो की भी अजमेर वाले हैं कोई, जिनका झूला है शायद। देख लो भाई, और ये अमरनाथ के इस क्यू को कवर करने में कल आऊँगा या तो। और एक्वेरियम भी है, अगर एक्वेरियम को शायद देखता हूँ एक बार क्या सीन है। अभी तो झूले खाली ही पड़े हैं भाई, यूँ ही मतलब नीचे बिछा रखे हैं, इनको प्रॉपर तैयारी के साथ लगाया जाएगा। पैनल वगैरह सब कंप्लीट ला चुके हैं यहाँ पर, अब धीरे धीरे इनको सेट किया जाएगा, लगाया जाएगा। देखो मशीन सेट की गई है, उसके बाद लगाया जाएगा। प्रॉपर जोरों शोरों से तैयारियाँ हो रही है यहाँ पर, जोरों शोरों से। क्या बात है यार, यू कैन सी गाइस किस तरह से मशीनरी काम हो रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर। ठीक है, ये भाई वहाँ चढ़कर पूरा का पूरा काम कर रहा है, पूरा वायरिंग का खेल। और ये अंकल नीचे स्क्रू टाइट कर रहे हैं, और ये पूरा टायर्स के ऊपर घूमता है, पूरा का पूरा टायर्स के ऊपर घूमता है। और ये एक्वेरियम है अभी तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब भी अगर तैयार होगा दो चार दिन में फिर से आऊँगा, एक बार दिखाऊँगा आपको एक्वेरियम का क्या सीन है। अब चलते हैं ऑन स्टेज की हेमा मालिनी जी का क्या अपडेट है, वो आई या नहीं आई है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा अपना विजय श्री रंगमंच के पास। बिगाड़ दिया यार मेरा, यार सच में बिगाड़ दिया। अब तो फील ही नहीं आता कि हाँ दशा मैदान के अंदर है अपन। ये कहें कि बैरिकेडिंग कर दी यार, बैरिकेडिंग क्यों कर दी, लेकिन हम भी कोटा वाले हैं, हम भी कोटा वाले हैं, हम साइड से कुदा के जाएंगे। और इधर सारी तैयारी जोरों शोरों से भाई, उधर देखा मैंने अभी, यू कैन सी, ओहो क्या बात है, पूरा पुलिस स्टाफ और प्रॉपर स्पीकर साउंड LEDs सारे पैनल्स लग चुके हैं भाई, सारे पैनल्स। अभी कोई ना कोई टोक देगा, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता अब। यू कैन सी भाई किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अपन नहीं जाएंगे ज़्यादा आगे, क्या मतलब आ रहा है किसी की दो बार सुनने से। ठीक है, ये देखो भाई पूरी तैयारी जोरों शोरों से। अगर मुझे क्लिप मिली तो मैं डाल दूंगा कि भैया हाँ हेमा मालिनी जी का कैसे वेलकम हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है और मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी तो वह आएगी मैडम। बाकी यू कैन सी यार साउंड्स वगैरह ट्रस वगैरह प्रॉपर कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, GYT के सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, और ये बाउंसर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, कोई ना कोई तो अपना जानकार होगा ही सही इसके अंदर भी। तो बस यही सीन है भाई, अमेजिंग यार। और जब लाइटिंग होती ना दशहरा मेला के अंदर तो अलग ही खिल के निकलता है मामला। कोई दिन रात में आऊँगा जब दिखाऊँगा आपको। ओहो, और ये पुलिस स्टाफ जैसे ये दिख रहे हैं ना, तो ये तो बहुत सारे आने वाले हैं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है पुलिस वाले, इतना स्टाफ रहता है, इतना स्टाफ रहता है जिसकी हद नहीं है। ये बनाया जा रहा है और पुलिस कंट्रोल रूम, एक बार झांकी लेके आते हैं कि चलो रावण का आज कितना प्रोसेस हुआ, उसके बाद देखेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है भाई यहाँ पर, पूरा पूरा कर्टेन वाला मामला कल जैसे अपने देखा था यहाँ पर। ठीक है, नाक ही जाम हो रखी है भाई, ये अपने भाई भाई लगे हुए हैं, कार्य प्रगति पर है। हाँ भाई, ये वकालत की किताब वाले पन्ने। और बताओ, अब तो और टॉफी और चमक लग गई है भाई, यू कैन सी। अब तो और ये जो कैप्स थी वो कैप्स लगा दी गई है यहाँ पर, और अब तो मूंछों पर भी मखमल लगा दिया गया पूरा का पूरा। और कैसे हो भाई, ये देखो मूंछों में मखमल लगाया गया है। हाँ मुर्तवीन भाई, बस बढ़िया, ये देखो भाई मुझ पे मखमल लगाया गया है पूरा का पूरा, अमेजिंग यार अमेजिंग।
और ये गोल्डन जो पन्नी है चमक या पेपर जो बोल सकते हैं वो भी आज लगाया गया है। और ये सब लाइटिंग वगैरह भी ऐसी हो चुकी है, सेटअप तैयार हो चुका है यहाँ का, ठीक है। और बाकी पुलिस प्रशासन तैयार है अपना, और सामने देखो पूरा माहौल सेट है भाई, पूरा माहौल सेट है। बस अगर हो सका तो रुकते हैं, बाकी मेरा रुकने का प्लान नहीं है, निकलते हैं सीधा बैक टू अपना घर पे। और जो जो रहेगा वो चला लेट यू नो, बाकी अब तो निकलते हैं यहाँ से के लिए यार। भयंकर पुलिस प्रशासन है भाई, भयंकर प्रशासन है, मतलब भाई सेलिब्रिटी आने के बाद यही होता है भाई, प्रशासन फुल जोरों शोरों पर होता है, फुल जोरों शोरों पर, मतलब इतना स्टाफ है आज पुलिस का यहाँ पर, क्योंकि सेलिब्रिटी गेस्ट है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मुझे कुछ क्लिप मिली तो मैं डाल दूंगा, मैंने सुना है कि यार अपने राहुल भाई को कह रहे थे स्ट्राइक वगैरह पड़ सकती है, तो इस चक्कर में अगर स्ट्राइक वाली बात रही तो भाई मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि चैनल अभी तो अपने क्रिएट किया, उसके बाद अगर स्ट्राइक पड़ जाए तो वाला काम बेकार है यार। तो बाकी देखते हैं, अगर सही चीज़ रही तो देख लेंगे, बाकी चलते हैं। और क्या आ जा रही है भैया हेमा मालिनी जी, तो भयंकर खचपच माहौल हो चुका है, पुलिस प्रशासन जोरों शोरों पर है भाई, लेकिन अपना थोड़ा काम है यार, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ अभी, तो अगर मौका मिला तो फिर से आ जाऊँगा। बाकी जब तक तो चलते हैं अपन अब सीधा घर पे, और क्लिप्स मिल गई मुझे अगर हेमा मालिनी जी, अगर मैं मौजूद नहीं रह पाया तो मैं डाल दूँगा, ये है बात। तो आज किस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी हाँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरी कहानी मेरी जुबानी, आप मुस्कुराएंगे हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइज।